हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हर्बेरियम। इसके पहले वीडियो में मैंने बॉटनिकल गार्डन के बारे में बताया था। बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है और इसमें डेड फॉर्म प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है। इसके जो राइटर हैं एंग्लेन एंड प्रांटल हैं। अब देखते हैं हर्बेरियम क्या। हर्बेरियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन आर ड्राइड प्रेस्ड देन माउंटेड ऑन पेपर शीट्स एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस प्लांट मॉडल्स आर यूज्ड फॉर फ्यूचर रिफरेंस एंड स्टडीज। हर्बेरियम प्लांट का ऐसा कलेक्शन है जहाँ पर प्लांट स्पेसिमेन को सुखा कर उसको दबाने के बाद कागज़ की शीट पर मतलब क्लासिफिकेशन कर उसको एक तरह से व्यवस्थित किया जाता है। यह प्लांट स्पेसिमेन फ्यूचर में स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डेड ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस एंड स्टडीज इन प्लांट टेक्सोनोमी। इसका प्लांट स्पेसिमेन में मतलब कलेक्शन तो होता ही है, पर प्लांट टेक्सोनोमी में स्टडी में हर्बेरियम हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट्स मतलब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट है इन दिस प्लांट स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड विच आर यूज्ड एज रेफरेंसेस। मतलब प्लांट स्पेसिमेन को संरक्षित रखता है, सुरक्षित रखा जाता है जो कि बाद में उसका यूज़ कर सके, जिससे कि उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ इजी टू आइडेंटिफाई द प्लांट फ्रॉम द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन उसको आसानी से पहचानने में हेल्प करता है हर्बेरियम। टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट फाउंड इन द रिलेवेंट टाइम पीरियड, मतलब किसी रिलेवेंट टाइम पीरियड में पाए जाने वाले प्लांट्स की जानकारी प्राप्त होता है। किसके थ्रू? हर्बेरियम के थ्रू। अब देखते हैं रिक्वायर्ड फॉर हर्बेरियम प्रिपरेशन, मतलब हर्बेरियम बनाने के क्या क्या उपकरण है। पहला है वेस्कुलम। इट इज अ बॉक्स मेड ऑफ टिन इन विच प्लांट आर स्टोरेड इन द लेबोरेटरी इज ब्राउथ। मतलब ये एक बॉक्स होता है जो कि टिन का बना होता है। इसमें प्लांट को स्टोर करके रखते हैं जिससे कि प्रयोगशाला में इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टोर इसलिए करते हैं जिस ताकि जो प्लांट स्पेसिमेन है वो सुरक्षित रह सके। सेकंड है फील्ड नोटबुक, नो फॉर प्लांट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जब हम किसी प्लांट स्पेसिमेन को देखते हैं तो उसके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करते हैं। थर्ड है प्लांट प्रेस। प्रेस द प्लांट बिटवीन न्यूज़पेपर और ब्लोटिंग पेपर टू ड्राई अप इट्स मॉइस्चर। जो प्लांट्स का हम कलेक्शन करते हैं उसको न्यूज़पेपर या ब्लोटिंग पेपर के थ्रू मतलब उसको अंदर दबाकर प्रेस किया जाता है ताकि वो उसके जो नमी है उसको सोख लिया जाए। फोर्थ है लेंस। प्लांट करेक्टर्स रिक्वायर लेंसेस टू सी द फील्ड। प्लांट करेक्टर को फील्ड में देखने के लिए लेंस की आवश्यकता होती है। फिफ्थ है डिगर। दे आर मेड ऑफ आयरन फॉर्म विच अंडरग्राउंड पार्ट्स आर डग आउट। इसमें भूमिगत भागों को खोदकर जो निकाला जाता है जो कि ये मतलब लोहे का बना हुआ एक फन होता है। फिफ्थ है प्रूनिंग शियर। इट हेल्प्स इन कटिंग द ट्विंग्स ऑफ द ग्रोन ट्री। जो बड़े वृक्ष होते हैं उसकी टहनियों को काटने में ये हेल्प करते हैं। सेवेंथ है सीजर। दिस इज स्पेशल नाइफ, मतलब एक प्रकार का कैंची होता है जो कि प्लांट स्पेसिमेन को काटने में हेल्प करता है। अब देखते हैं टेक्निक फॉर हर्बेरियम प्रिपरेशन। इसके क्या क्या विधि है हर्बेरियम के प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट है
सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस। सर्वे का मतलब होता है कौन सा प्लांट कौन से स्टेज में है, जैसे कि वो फ्लावरिंग स्टेज में है कि वेजिटेटिव स्टेज में है। फ्लावरिंग मतलब जैसे किसी प्लांट में फ्लावर आ रहा है कि उसके वेजिटेबल्स आ रहे हैं, ये पता करता है। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस मतलब प्लांट को एकत्रित करना, जैसे बड़े पेड़ के किसी एक लीव या फ्लावर को स्पेसिमेंस के रूप में हर्बेरियम में यूज करना। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन। जब जब प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको ब्लोटिंग पेपर के अंदर, ब्लोटिंग पेपर या न्यूज़पेपर के अंदर डालकर उसको दबा के रखते हैं, जिससे मतलब ड्राइंग करते हैं, जो कि 3 से 4 दिन में हो जाता है। प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, जब प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं तो न्यूज़पेपर या ब्लोटिंग पेपर के अंदर जब उसको डालते हैं तो उसको प्रेस करते हैं, जिससे कि वो सीधा रहे और उसी टाइप से ही ड्राई हो जाए। प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, नेक्स्ट हमारा है प्रिजर्वेशन। प्लांट स्पेसिमेन के पेपर को मतलब हर दिन चेंज करते हैं, जिससे कि प्लांट स्पेसिमेन सुरक्षित रहे, नष्ट ना हो। प्लांट स्पेसिमेन को सुरक्षित करने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड को डिप करके निकाल देते हैं, जिससे कि 5-7 मिनट में फिर से वो ड्राई हो जाता है। प्लांट सीड्स को ड्राई हो जाता है, और जब प्लांट सीड मतलब उसमें फंगस या कीट से बचाव के लिए डीडीटी का भी छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट है माउंटिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस ऑन हर्बेरियम सीड्स। माउंटिंग मतलब हर्बेरियम सीड्स को जो 12 है जो 18 इंच की है, उसको सूखे हुए प्लांट्स को हर्बेरियम सीड्स में चिपकाते हैं फेबिकोल या गोंद के थ्रू। मेरे पास एक हर्बेरियम है, आपको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये प्लांट स्पेसिमेन है जिसको मैंने न्यूज़पेपर के सीड्स में डालकर इसको ड्राई किया है। इसका माउंटिंग ऐसे करते हैं, मतलब फेबिकोल या गोंद के थ्रू इसको चिपकाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। मतलब जो हम लोग का हर्बेरियम सीड्स है, इसके राइट साइड पे नीचे लेबल करते हैं, मतलब एक सीरीज वाइज उसका क्लासिफिकेशन, नेम, जीनस, बॉटनिकल नेम, ये सबको लिखा जाता है। जैसे ये देखो, ये हमारा प्लांट स्पेसिमेन है, इसके राइट साइड पे नीचे लिखते हैं क्लासिफिकेशन, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सबको एक सीरीज वाइज लाइन वाइज लिखते हैं, लेबलिंग में ये कहते हैं। फिर स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम सीड्स। हर्बेरियम सीड का जो मतलब ये जो हर्बेरियम फाइल होती है, हमारी सीड्स होती है, इसको स्टील या लकड़ी के अलमारी में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि मतलब इसमें कोई फंगस या कीट ये सब ना लगे। और इसके जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसके अनुसार इंडेक्स बनाया जाता है। जो इंडेक्स, जैसे कि ये सब मैंने क्लासिफिकेशन इसका लिखा है, प्लांट्स का इसके यूजेस लिखे हैं, इसके क्लासिफिकेशन के द्वारा इसके ऐसे इंडेक्स भरा जाता है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्लांट ऑफ एन एरिया एंड एल्सो ऑफ एन एरिया इन विच द प्लांट हैव डिसअपीयर्ड। सॉरी गाइस, इसके जो मतलब हर्बेरियम किसी एरिया के प्लांट्स का रिकॉर्ड होता है, और ऐसे एरिया का भी जो जो प्लांट मतलब लुप्त है, जो कि है ही नहीं। जैसे कि ये हर्बेरियम के थ्रू हम ऐसे प्लांट्स को भी जान सकते हैं जो कि लुप्त हो गया है। हर्बेरियम इज यूज्ड फॉर स्टडी एंड एल्सो फॉर स्टूडेंट एजुकेशन। मतलब स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए हर्बेरियम हेल्पफुल है।
और मतलब कार्य करता है, इसलिए द लोकल नेम ऑफ प्लांट कैन बी नो अबाउट द बॉटनिकल नेम फ्रॉम हर्बेरियम। हर्बेरियम के द्वारा किसी भी प्लांट का लोकल नेम, बॉटनिकल नेम हम जान सकते हैं। द प्लांट कैन बी आइडेंटिफाई एंड नॉमन कल्चर बाई हर्बेरियम। हर्बेरियम के द्वारा हम किसी प्लांट की पहचान सकते हैं, उसका नामकरण पद्धति भी कर सकते हैं। हर्बेरियम आर असेंशियल फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए भी हर्बेरियम आवश्यक होता है। सिग्निफिकेशन ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम के क्या क्या महत्व है। फर्स्ट है परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्पेसिमेंस, जैसे कि लोकल एरिया में जो मतलब कुछ फ्लावर विलुप्त हो गए हो, परंतु हर्बेरियम सीड के द्वारा वो मतलब उसका हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसके द्वारा हम जान सकते हैं उस प्लांट को। फॉर एग्जांपल, जैसे ये प्लांट विलुप्त हो गया है, पर हम हर्बेरियम सीड्स के द्वारा इसके जान सकते हैं लोकल नेम, इसके यूजेस। अब नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। किसी भी प्लांट्स का हम आइडेंटिटी मतलब पहचान कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मतलब किसी भी प्लांट्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसका जीनस क्या है। नेक्स्ट देखते हैं रेयर एंड इनडेंजर्ड प्लांट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। रेयर मतलब जो कि बहुत कम पाए जाते हैं, और संकरग्रस्त पौधे जो कि भविष्य में सुरक्षित, जैसे संकरग्रस्त पौधे को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए, जो कि मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, पर हम स्टडी के लिए उसको बहुत साल बाद उस प्लांट के बारे में जान सकते हैं। किसके थ्रू? हर्बेरियम के थ्रू। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट हर्बेरियम जो कि प्रेजेंट है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि केव इंग्लैंड में है, जिसमें 40,000 प्लांट स्पीसीज है। हर्बेरियम ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि सिप्र कोलकाता में है, जिसमें 25 लाख स्पेसिमेन है। मद्रास हर्बेरियम BSI जो कि चेन्नई में है, जिसमें 2 लाख स्पेसिमेंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है साउथ सर्किल हर्बेरियम BSI जो कि कोयम्बटूर कोयम्बटूर में है, किसमें कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में, जिसमें 1,75,000 स्पेसिमेन है। हर्बेरियम ऑफ FRI देहरादून, जिसमें 3 लाख स्पेसिमेन है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम जो कि लखनऊ में है, जिसमें 40,000 स्पेसिमेन है। अब ईस्टर्न सर्किल हर्बेरियम BSI जो कि शिलोंग में है, जो कि 1,10,000 स्पेसिमेन इसमें प्रेजेंट है। वेस्टर्न सर्किल हर्बेरियम BSI जो कि पुणे में है, 1,20,000 स्पेसिमेन। तो गाइस, हमने पढ़ा कि हर्बेरियम क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या क्या उपकरण हैं, और इसमें जो प्रिपरेशन करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, इसके फंक्शन और सिग्निफिकेशन, देन कुछ इम्पोर्टेंस हर्बेरियम। थैंक यू गाइस, वॉच माय चैनल।